Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों हरियाणा के अंदर हमारे युवा नेता दुष्यंत चौटाला जी के नाम का डंका किस प्रकार से बज रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जुबान पे आज दुष्यंत चौटाला जी का नाम लिया जा रहा है और उसी के मद्देनज़र एक और अहम बात निकल के सामने आई है जो दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो एमपी होने के नाते अपनी बात रखी। उनकी ये बातें काफ़ी मेरे को पसंद आई और काफ़ी आज के टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उन्होंने जो है संसद के अंदर अपनी मांग उठाई थी कि वो जो सरकार है युवाओं को रोज़गार दे, मैं अपनी ज़मीन जो सरकार को मुफ्त में दूँगा। यानी उनकी जो इतनी युवाओं के प्रति जो उनका जो स्वभाव है, उनका जो लगाव है, वो काफ़ी ज़बरदस्त इसमें देखने को पड़ा। ये काफ़ी बहुत अहम मुद्दा बन चुका है कि आज के टाइम बेरोज़गारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दुष्यंत चौटाला जी ने ये कितना सराहनीय कदम उठाया है कि उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोज़गार दे, वो अपनी ज़मीन जायदाद है जो मुफ्त में देंगे गवर्नमेंट को, ताकि जो आप लोगों तक जो है रोज़गार प्रोवाइड किया जा सके। और यही किसी मद्देनज़र कुछ चर्चाएं आ रही है, कुछ कार्यकर्ता या कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जेजेपी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकती है, ऊपर बीजेपी होगी सेंटर के अंदर, हरियाणा के अंदर जेजेपी सरकार बनाएगी, ऐसी कुछ चर्चाएं सुनने को आ रही है। लेकिन मैं इन चर्चाओं को सुनने के बाद आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो है दुष्यंत चौटाला जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या किसके साथ नहीं करेंगे। उन्होंने अभी तक इसके बारे में अपनी कोई कमिटमेंट नहीं की है, लेकिन अभी तक वो इतना सोच रहे हैं कि युवाओं के उत्थान के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और बहुत जल्द से जल्द वो ऐसा सिस्टम भी लेके आएंगे जिससे जो है बेरोज़गारी दूर हो सके और जिससे हमारा हरियाणा जो एक खुशहाल राज्य बन चुके, जिसका नाम बड़े बड़े राज्यों के अंदर काउंटिंग किया जाए, गिना जाए, ऐसी कुछ चर्चाएं हो सके। इसी मद्देनजर दुष्यंत चौटाला जी अपने दिन प्रतिदिन मेहनत करने में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों कुछ लोगों ने INDI या विपक्षी दल कुछ भी लगा लो, हमेशा जो दूसरी पार्टियों से काट करते रहते हैं, दूसरी पार्टी से जलते रहते हैं। यहीं पर कुछ ताओं से जो इंटरव्यू करवाया था, जो लोगों से इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने काफ़ी जो है विपक्षी दल की पार्टियों की पोल खोल के रख दी थी कि किस प्रकार विपक्षी दल राजनीति के नाम पे जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। वो झूठे वादे करते हैं, खोखले वादे करते हैं और अपने वादे निभा नहीं पाते हैं और उसकी जो अविफलता का जो होता है वो दूसरों पर ठोकते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आप लोगों को हमें सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से काफ़ी दूरी बनानी चाहिए जो विपक्षी पार्टियां जो हमारी जनता के हित में अभी तक कार्य नहीं कर पाई है। आज देख लो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बन चुका था। 1966 के बाद आप भी आंकड़े उठा के देख लीजिए कि सरकार ने हरियाणा के उत्थान के लिए कितना कार्य किया, किसने युवाओं के उत्थान के लिए कितना कार्य किया, आपको खुद ना खुद जवाब मिल जाएगा। आज हमारे सामने एक नया विकल्प आया है, आज हमारे सामने एक नई पार्टी आई है। दोस्तों मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा है, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन युवा होने के नाते जो मेरा दिल कह रहा है वही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज जो है जेजेपी पार्टी का जो नया गठबंधन हुआ है या जेजेपी पार्टी का जो नया निर्माण हुआ है और गठबंधन की जो चर्चाएँ हो रही है, चलो मानते हैं जेजेपी पार्टी को किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा और वो मेरे को उम्मीद है कि जो पार्टी अच्छे कार्य कर रही है उसी के साथ गठबंधन करेंगी और जिन पार्टियों का नाम खराब है उनके साथ वो गठबंधन नहीं करेंगी। तो आपको बता दूं कि हमारे जेजेपी पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला जी हमेशा युवाओं के लिए आगे रहे हैं, जैसे कि पिछले 2 दिन पहले ही उन्होंने आवाज़ उठाई है कि सरकार युवाओं को रोज़गार दे, अगर सरकार के पास खजाने की कमी है तो वो अपनी ज़मीन देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। युवाओं के लिए, हमारे लिए कोई मर मिटने को तैयार है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए, हमें भी उनको समझना चाहिए। मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी के पूर्वजों ने कुछ गड़बड़ हुई, जिस गड़बड़ की वजह से ही जो INDC अलग होना पड़ा दुष्यंत चौटाला जी को। ये क्या था, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या बड़ा रीज़न था, इसके बारे में मैं कुछ कमिटमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अभी जो वो एक अच्छा निर्माण कर रहे हैं, एक अच्छी न्यूज़ उन्होंने रख दी है, एक अच्छे कदमों के साथ आगे बढ़ रही हैं और हमें उनके कदम आगे बढ़ाने में साथ देना चाहिए। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं, अपनी राय
हमारी इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो किस मैटर में हो, कुछ क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको बता दूं कि दोस्तों कुछ चर्चाएँ चल रही है कि कुछ सीटों से मेघना चौटाला जी को चुनाव भी लड़ना चाहिए या कुछ। जैसे दोस्तों आपको बता दूं कि जेजेपी पार्टी का नया गठबंधन हुआ है और अभी कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार भी टिकट के लिए काफ़ी चर्चाएँ कर रहे हैं, काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। शायद उसकी वजह से जो है उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से क्या पता मेघना चौटाला जी चुनाव लड़ पाए या नहीं लड़ पाए। लेकिन दोस्तों जब भी चुनाव लड़ेंगी तो काफ़ी ज़बरदस्त मेघना चौटाला की जो एंट्री होगी राजनीति के अंदर उसके बारे में आपसे कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। और आपको बता दूं कि दोस्तों जिस प्रकार दिग्विजय चौटाला जी दिन प्रतिदिन अपनी कड़ी मेहनत से अपने भाई के साथ लगे हुए हैं वो भी काफ़ी सराहनीय है। दोस्तों जिन इलेक्शन के अंदर छोटी सी चूक हुई थी जिस वजह से हमारी पार्टी को दूसरे नंबर पर आना पड़ा, क्योंकि आज के टाइम जो है बीजेपी पार्टी भी अपने कार्यों के लिए प्रमुख है। बीजेपी पार्टी भी जो है बहुत बड़ा उत्थान कर रही है, बहुत बड़े कार्य कर रही है। और हरियाणा के अंदर आपको बता दूं कि थोड़ा जो बेरोजगारी दूर करने का लगभग काफ़ी नई वैकेंसी भी बढ़ती हुई है, काफ़ी नए बंदे भी नौकरी लगे हैं तो थोड़ा बेरोजगारी दूर करने का भी कार्य कर रही है। और अभी ये चर्चा भी चल रही है कि ऊपर बीजेपी नीचे जेजेपी जननायक जनहित जनता पार्टी काफ़ी ज़बरदस्त है। और चलिए इस पर चर्चाएँ होती रहती हैं, क्या होता है आगे में तो देखा जाएगा कि जेजेपी पार्टी किसके साथ गठबंधन करती है, किसके साथ गठबंधन नहीं करती है, इस बारे में भी काफ़ी कमेंटमेंट किया जाएगा। अब तो ये देखते हैं, वक्त ही बताएगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट करके व्यक्त कर दीजिएगा और हमारे दुष्यंत चौटाला जी के बारे में दो शब्द इस वीडियो के अंदर जरूर लिखिएगा। मैं संदीप कुमार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सोशल इशू से रिलेटेड किसी भी मुद्दे की खबर सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी लेटेस्ट खबरों के साथ में। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।